हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न हैं ना, आपके पूरे फिजिक्स का निचोर प्रश्न है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, इसका PDF लेने चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, और क्लास काफ़ी शानदार है। और दोस्तों, क्लास में ये जो है ना, सारा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है, इसलिए जो है ना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से किस में धन यानी कि प्लस या ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दे बैटरी में, और ऑप्शन बी एडमीटर में या फिर कुंडली में, और ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर में। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए जो कुंडली यानी कि जो क्वाइल होता है ना, इसमें ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव का चिन्ह होता है, ना ही धन और ना ही ऋण का चिन्ह होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों, गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और इस बार भी 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% ये भी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस या फिर समतल लेंस। तो फ्रेंड, मानव नेत्र में जो है ना कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड, रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर जो है ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड, तीन नंबर प्रश्न भी जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि अस्पष्ट रेखा की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया 30 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो फ्रेंड, है अस्पष्ट रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपको दिया लाल या फिर नीला, और ऑप्शन सी है पीला या फिर काला। तो फ्रेंड, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश जो है ना नीला दिखाई देता है या फिर पीला या फिर काला। तो फ्रेंड, कैसा दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छः नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए में आपको दे 5 सतहों से या फिर 7 सतहों से या फिर 6 सतहों से या फिर 3 सतहों से। तो फ्रेंड, प्रिज्म एक पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होता है, यानी कि टोटल कितना सतह हो गया, 5 सतह हो गया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे सात नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सीधा या फिर उल्टा, और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना, ये हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, ये हमेशा उल्टा होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आठ नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका जो नीला रंग का या फिर पीला रंग का या फिर लाल रंग का या फिर काला रंग का। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्रकीर्णन कह रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसी नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको समांतर किरण पुंज या फिर अपसारी किरण पुंज, और ऑप्शन सी अभिसारी किरण पुंज या फिर ये सभी। तो फ्रेंड वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाती है उसे जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी देखिएगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1.44 या फिर 1.33, और ऑप्शन सी 1.50 या फिर 1.71। तो फ्रेंड है पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना 1.33 होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पूरा निचोड़ प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो पूरे फिजिक्स में 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसे सेलेक्ट करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारी वेबसाइट पे आज का टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप लोग शाम यहाँ पे वीडियो को देखने के बाद जो ना आप लोग टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। ऑप्शन ए में आपका न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने या फिर रोमर ने, और ऑप्शन डी में आपका स्नेल ने। तो फ्रेंड है प्रकाश की चाल सबसे पहले जो ज्ञात की थी ना रोमर ने ज्ञात की थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए में आपको रेटिना या फिर आयरिस या फिर रेत्रगोलक या फिर कॉर्निया। तो फ्रेंड यहाँ पे पुतली को जो कंट्रोल करता है ना आयरिस करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में से उपस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रोटोन और न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन सी में आपको प्रोटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड परमाणु के जो नाभिक में मौजूद होता है ना क्या होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में आपको 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी में आपको 4 या फिर 5। तो फ्रेंड है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन ए में आपको 30 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का या फिर 45 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का। तो फ्रेंड है प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है ना कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या कराए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे वाट या फिर वाट घंटा या फिर यूनिट, और ऑप्शन डी में आपको दे ओम। तो फ्रेंड विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना क्या होता है, वाट होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या कराए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका डाइऑप्टर या फिर मीटर, और ऑप्शन सी फोकस या फिर ए मीटर। तो फ्रेंड लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है ना डाइऑप्टर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का, और ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस का, और ऑप्शन डी है समतल लेंस का। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो आपतन कोण होते हैं ना, कोण आई क्या होते हैं, ये परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण आपका 60 डिग्री है ना तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कराए कि अभी सारी लेंस में यहाँ पे आपको बताना है कि अभी सारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर समतल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो अभिसारी लेंस होगा ना, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जो ना जमा करती है। और दोस्तों ये जो अवतल लेंस होते हैं ना इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। ऑप्शन ए में आपको वक्र रेखा में या फिर सीधी रेखा में, और ऑप्शन सी गोले दर्पण रेखा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है प्रकाश जो गमन करती है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 7 या फिर 6, और ऑप्शन सी 5 या फिर 2। तो फ्रेंड जो व्हाइट लाइट होते हैं ना इसमें कितने रंग होते हैं, 7 कलरों का मतलब क्या होता है, सब मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी है उभयोत्तल दर्पण का। तो फ्रेंड मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है ना किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका अदीप्त या फिर प्रदीप्त या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विद्युत धारा या फिर प्रतिरोध या फिर चालक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नाभिक। तो फ्रेंड है आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका धनावेश या फिर ऋणावेश या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका निर्वात में या फिर हवा में या फिर जल में या फिर शीशा में। तो फ्रेंड प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेट्रो या फिर हर्बो या फिर नाइट्रो या फिर हाइड्रो। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रो होते हैं ना इसका मतलब क्या होता है, जल होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं आप 29वां प्रश्न क्या कराए कि वर्ल्ड मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सरणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में या फिर दोनों क्रम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है वर्ल्ड मीटर को जो है ना विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो सरणी क्रम में जोड़ा जाता है, साथ में इसमें आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड है जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है तारे क्यों टिमटिमाते, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिमटिमाते या फिर वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण। तो फ्रेंड ये तारे जो टिमटिमाते हैं ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका लाल रंग का, या फिर हरा रंग का, या फिर ब्लू रंग का, या फिर बैंगनी रंग का। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो लाल रंग होते हैं ना इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे कम होता है। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कर रहा है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गर्म तार में, या फिर ठंडा तार में, या फिर अर्ध तार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो स्विच होते हैं ना ये गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का विवर्तन, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड जो टिंडल प्रभाव होते हैं ना ये प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं भाई 35वां प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबक के क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो चुंबक के क्षेत्र रेखा होती है ना ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% पूछे ही जाएंगे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं ना 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। और दोस्तों आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ए प्रश्न क्या करा है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको मिट्टी का, या फिर प्लास्टिक का, या फिर पानी का, या फिर कांच का। तो फ्रेंड लेंस बनाने में जो है ना मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, इनके अलावा प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, कांच, ये तीनों का उपयोग किया जाता है लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए में आपको टंगस्टन का, या फिर लोहा का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर तांबा का। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना ये टंगस्टन एलिमेंट का बना होता है, क्योंकि इनका गलनांक जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लोहा, या फिर सोना, या फिर ग्रेफाइट, या फिर कागज। तो फ्रेंड विद्युत रोधी पदार्थ जो होगा ना क्या होगा, कागज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको बल, या फिर शक्ति, या फिर ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपको ईंधन। तो फ्रेंड है कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कर रहा है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना उसमें हम लोग नाइक्रोम एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनका गलनांक जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फोकस, या फिर ध्रुव, या फिर आवर्धन, और ऑप्शन डी में आपको वक्रता केंद्र। तो फ्रेंड प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो फ्रेंड जो परिपथ में जो इलेक्ट्रिक करंट की जो माप की जाती है ना एमीटर के द्वारा की जाती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि छठ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर दिशा में रोकता है। ठीक है, तो जो छठ चुंबक होते हैं ना उसको स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो मतलब किस दिशा में रुकता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड है उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 45वां प्रश्न क्या करा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, या फिर उभयोत्तल दर्पण का। तो फ्रेंड दाढ़ी बनाने में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले दोस्तों देखते हैं हमें 40वां प्रश्न क्या करा है कि चुंबक के प्रेरण की खोज किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चुंबक के प्रेरण की जो खोज की थी ना फैराडे ने की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं 47वां प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको न्यूटन के नियम या फिर स्नेल के नियम या फिर परावर्तन के नियम या फिर मेंडल के नियम। तो फ्रेंड प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या करा है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो फ्रेंड डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना मतलब किस रूप में बदलता हुई आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका विद्युत ऊर्जा, यानी कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न क्या कर रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फ्यूज तार से या फिर शॉर्ट सर्किट से या फिर उच्च धारा के प्रभाव से या फिर कम धारा के प्रभाव से। तो फ्रेंड घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट से जो दुर्घटना होता है ना शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अभी आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या करा है कि वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा या फिर दोनों धारा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो प्रत्यावर्ती करंट होते हैं यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होते हैं जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे फिजिक्स का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट निचोड़ प्रश्न को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर आपको ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है ना ऑनलाइन हमारे वेबसाइट के माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं वो आप लोगों को बताएंगे लाइव, ठीक है। तो दोस्तों इसका जब तक आप राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या लगता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है या फिर लकड़ी होता है या फिर कोयला होता है या फिर चंद्रमा होता है। तो फ्रेंड इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये आपका एच डब्ल्यू क्वेश्चन हो गया। जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206-07-6569, ठीक है। इस नंबर को आप लोग सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए लेके चलते कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और इनके साथ साथ आप लोग फ्री में पीडीएफ और ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको जो ना सिंपली कुछ नहीं करना होगा, गूगल पे आपको सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। आपको सिंपली क्या सर्च करना होगा, measuretargets.com सर्च करना होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को आप लोग गूगल में सर्च कीजिए। आपको जो पहला वाला आएगा ना मैट्रिक एग्जाम, उसमें आपको सिंपली क्लिक करके जो ना आप लोग हमारे जो पेज है फ्रंट पेज उसमें पहुंच जाइएगा, उसमें सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फिर मिलते हैं शाम के 7 बजे क्लास में। थैंक यू, वंदे मातरम।